जिस दिन जुबां पे मेरी आए नशीब का नाम, ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम हो। मैं भदवा से आया हूँ और भदवा से मेरे पिताजी निशान लगाते थे, केलिंग के वो चेला जी थे और वहाँ से आप उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं खुद आ रहा हूँ, आप इधर केलिंग और स्थान महेश में। आपको ये केलिंग बजीर के दर्शन करने पर आपको कैसा महसूस हुआ? तो हमें यहाँ पे आकर तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, मत भी है, सब कुछ है, हर पूजा पाठ करने के लिए हर चेला यहाँ पे है। तेरी छवि बसाई प्यासी आत्मा बन के जोगन, तेरी शरण में आई, तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम, ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी आए शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम। पहली बार आए हैं, भदवा से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा से, तो इधर आके बहुत अच्छा लगा हमें। इधर केलिंग वजीर की पीछे जो कुर्ती थान है वहाँ पर बहुत बड़ा थान है, वहाँ बहुत अच्छे ढंग से दर्शन हुए हमें शेषनाग के रूप में। शाम को तकरीबन 7 बजे दर्शन हुए हम, फिर रात को हम मंदिर में ठहरे उधर, तो वापसी पर भी हमें यहाँ शिव महाराज की हम बोलते हैं ठल जैसी है, तो वहाँ पे भी हमें वैसे ही दर्शन हुए, शेषनाग के दर्शन हुए बहुत अच्छी तरह से। आप लोग कहाँ से आए हैं और अभी आपकी यात्रा कहाँ तक रहेगी? अब हमने अपनी यात्रा तो बरमोर में छोड़ी थी, अब हम मिलेंगे उनको अरसल जाके, वहाँ से जाएंगे। मिलेंगे नहीं, जाना कहाँ है आपने? अब हमने जाना है मणिमहेश जाना है, हमारी यात्रा उधर है तो हमें उसके साथ उधर ही जाना है। तो आप मणिमहेश की यात्रा आप लोगों ने पहले भी की है? नहीं, हम करते रहते हैं, हमारी छड़ी आती है सर, हम डिस्ट्रिक्ट डोडा से रहने वाले भदवा के सर, हमारे गुरुजी आते थे, छड़ी लेकर आते थे, वो तीसरा साल यहाँ पे आते हैं लेकिन वो एक्सपायर हो गए सर, उनकी छड़ी लेकर हम आए हैं। लेखराज उनका नाम था, हम उनकी बहने हैं, दोनों बहने हैं, साथ में उनका भांजा है, साथ में ये भांजे। यात्रा में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है सर, सुकून मिल रहा है। ये जो आपने पहना, ये जय करो बाबा मणिमहेश का, बोल साजे दरबार की जय। जिस प्रकार से हम करीबन 15 साल से छड़ी के साथ आ रहे हैं, हर तीसरे साल हमारी छड़ी वहाँ से आती है, तो 3 सालों में हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शन किए। हम लोग पैदल आते हैं, अपनी पथरी धार क्रॉस करते हुए लंगेरा क्रॉस करते हैं तो HP में हम दाखिल हो जाते हैं, तो जो छड़ी हमारी है तो करीबन हम 500-700 लोग, 2000-3000 लोग जो हैं वो पैदल वहाँ से आते हैं। कुछ जो यात्रु हैं वो फिर बाद में गाड़ियों पे भी आते हैं, जो हमें चंबा आके रक्षाबंधन के दिन हम लोग वहाँ पे यात्रा में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को करीबन 1 महीना पैदल यात्रा में लग जाता है। हाँ जी सर, ये जब पहले वहाँ के थे, भदवा के थे, किश्तवाड़ में रहते थे, उसी साइड के थे, जब वहाँ से लोग कौन थे आपने? शिवजी भगवान किश्तवाड़ में पहले, वहाँ उनका गाँव वहाँ पे था, वहाँ रहते थे, वहाँ से फिर वो छोड़ के चले आए ये भदवा में, भदवा से भी फिर इन्होंने छोड़ दिया स्थान अपना, तो चले आए इधर मणिमहेश में। और मणिमहेश में भी हमने सुना ऐसा सारे कि जैसे बोलते कि ये यहाँ पे बैठे, ये घर जमाई बैठे हुए, ये दहेज में मिली है इनको, जो ये यहाँ की धरतली है ये दहेज में मिली हुई है इनको, 6 महीने सर ये बैठते हैं मणिमहेश में, कैलाश में, जो मणिमहेश में कैलाश पर्वत है वहाँ पे बैठते हैं। जब यहाँ की यात्रा संपूर्ण हो जाती है तो फिर ये चले जाते हैं अपनी
जहाँ पे भूमि है इनकी। जो शिव महाराज हैं ये पहले उधर भद्रवाह में रहते थे, वहाँ है इनका, वहाँ राजा है हमारा, बॉस की नाग कहते हैं उसको, उसने इनको जगह नहीं दी वहाँ पे, तो वो वहाँ से निकल गए आ गए यहाँ पे, यहाँ पर मऊर में, यहाँ 84 मंदिर में, फिर यहाँ से भी निकल गए, ये बैठे हैं अब कैलाश पर्वत पर, यहाँ बैठेंगे ये 6 महीने बैठते हैं इधर, 6 महीने के बाद ये बैठते हैं पहाड़ पीछे जहाँ मिचेल कहते हैं, चंडी माता का जहाँ मंदिर है वहाँ से पीछे है वो अज्ञासुरधार कहते हैं, उधर 6 महीने उधर बैठते हैं, क्योंकि इनकी शादी इधर हुई है, ये बैठे हैं इनमें इधर दामाद बैठे हैं इधर, तो इनको दहेज में जो ये बीच वाली मतलब दरिया से जो ये अलग धार है ये इनको दहेज में मिली है, 6 महीने इधर बैठते हैं, जो लास्ट छड़ी सराज से आएगी इधर उस छड़ी के साथ ये इधर से वापस आते हैं, नाग पंचमी के बाद आते हैं वापस, फिर बैठते हैं ये अपनी अज्ञासुर धार में पाडर मचेल। आपका नाम क्या है? स्वर्ण भगत। आप कहाँ रहते हैं? भद्रवाह कौन से में? खास भद्रवाह। भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है, भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली, जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली है, भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली, जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली है, भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। तेरी शरण में जो भी आया उसको मिली तेरी करुणा की छाया, बिन मांगे वो सब कुछ पाले जिसने तेरा ध्यान लगाया, तेरा वचन कभी जाए न खाली, तेरा वचन कभी जाए न खाली है, भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है। संकट मोचन हे जगदाता, तू है सभी का भाग्य विधाता, ये सृष्टि परिवार है तेरा, जन जन से है तेरा।
जाना था, जग बग गया है तू है माँ। बोलो जी। लौड़ से आए भेड़ बकरी चुगांदे घर जो चले रहे हैं, पटियाले भी जगा रहे हैं कांगड़ा ते माल चुगा रहे। ते माल चुगाने से लौड़ स्पीति ही की जो जानते उधर माल चुगांदे लौड़ से लौड़ से आए माल चुगांदे भेड़ बकरी जड़ा बूटी धूप हर चीज है जी। अब रस्ते चले ते जानवर होंगे रिख बालो बराग गिदड़। अच्छा ते तुसी किन्ने महीने लौड़ स्पीति रहते किन्ने महीने रहते पटियाल? ये दो महीने लाए रहते लौड़ असी ते बकाए पटियाले भी। किन्ने साल हुई है? साल तक 30-32 साल हुई है। अच्छा ते दाने किन्ने? दाने 600 है। बोलो जी। लौड़ रहते है तो दो महीने लौड़ रहते तो महीना रस्ते अंदर लग जाता तो फिर जानवर बड़ा मिलता डालू मिलता गाय मिलता नौती छत्ती जानवर बोलते रस्ते अंदर देवते दबते सौ देवी के दर्शन दुर्शन बोलते जोत भी लाना पैंता सौ प्रॉब्लम पैंती रस्ते अंदर। अमृत बांटे और खुद पीता विष के प्याले तेरी छवि मैंने मन में बसा ली, तेरी छवि मैंने मन में बसा ली है, भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है, भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली, जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली है, भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली, जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली है, भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है, भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। खूबसूरत दृश्यों के सफर के बाद हमारा दल कुप्ती पहुंचा। इस गांव की रूपरेखा मन को मोह लेती है। लकड़ी के इन घरों को देखकर मानो सतयुग की याद ताजा हो जाती है। हर युग का तू रचयिता है, हर पल तू संग रहता है, कर्मों का फल तू देता है, बदले में कुछ न लेता हो भोले, सबसे निराले तेरे काम काम रे। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं,
भोले तेरी कृपा से, युग आते युग जाते हैं, युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु हे शिव तेरे गुण गाते हैं। भोले तेरी कृपा से, युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से, युग आते युग जाते हैं। यहाँ का शुद्ध वातावरण, साधारण लोग, वाक्य ही यहाँ सब कुछ मन लुभावने दृश्य हमारी लोक संस्कृति की पहचान है। गांव कुप्ती में शिव मंदिर स्थित है। इस गांव के भोले भाले लोगों की बागडोर भगवान शंकर संभालते हैं और सभी एकजुट होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे बड़ा है तेरा नाम, नाम रे, भोले तेरी कृपा से, युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से, युग आते युग जाते हैं, युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु हे शिव तेरे गुण गाते हैं। भोले तेरी कृपा से, युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से, युग आते युग जाते हैं। शिव नाम प्यारा मेरा, शिव नाम प्यारा, सबसे है न्यारा मेरा शिव नाम। उच्चारण है मुक्ति है तो निवारण है, आदि पुरुष स्वयं भू है, सृष्टि का कर्ता कारण। भोले जपते है तुझे सुबह शाम, शाम रे, भोले तेरी कृपा से, युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से, युग आते युग जाते हैं, युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु हे शिव तेरे गुण गाते हैं। भोले तेरी कृपा से, युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से, युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से, युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से, युग आते। हाँ जी, ब्याह है, बच्चा गया है। कुक्ति से केलंग बजीर यानी कार्तिक स्वामी का पूजनीय स्थान लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां का नजारा देखने लायक है।